पूरे देश में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। वहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में आज योग दिवस मनाया गया। विश्वविद्यालय के खंडारी परिसर स्थित शिवाजी मंडपम में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर आसुरानी ने की। वहीं देशवासियों को विदेश में बैठे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। मैडम, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, विश्वविद्यालय में योग आसन का आयोजन किया गया। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और हमारी माननीय कुलाधिपति महोदय की प्रेरणा और निर्देश से विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं, जिसमें एक महीने से हमारा एक योग शिविर चल रहा है जो कि 21 मई से प्रारंभ हुआ था, जिसमें लगातार योग पर विभिन्न व्याख्यान और आयुर्वेदिक जो भी चिकित्सक हैं और योग गुरु हैं उनके द्वारा छात्रों को विभिन्न प्रकार के आयामों के बारे में बताया गया था। आज मुख्य कार्यक्रम हुआ है जिसमें लगभग हमारे महाविद्यालय के सभी छात्र और विश्वविद्यालय के सभी छात्र, NSS की इकाई और बहुत सारे विभिन्न संस्थाओं के जो भी लोग हैं, यहाँ के कर्मचारी, जितने शिक्षक हैं, छात्र, सभी एक साथ जुट कर एक साथ योग का अभ्यास कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि विभिन्न संस्थाओं से, जिससे कि हमने कुछ ऑटिज्म वाले बच्चे उनको भी बुलाया है योग के लिए, प्रेरणा के लिए स्कूली बच्चे आए हैं, मलखम का प्रदर्शन किया गया है, तो बहुत सारे आयोजन हैं। आज वास्तव में विश्वविद्यालय योग महोत्सव मना रहा है।